हेलो, कैसे हो आप? आप सबका खुर्शीद के किचन में इस्तकबाल है। आज मैं आपको एक जबरदस्त रेसिपी दिखाने वाली हूँ। उसके फायदे इतने हैं कि मुझे बताओ तो टाइम बचने आएगा। और ये 1440 साल पहले की रेसिपी है, नबी की सुन्नत है, पहचानो। मृगनंदर वाघ मारे मसाले प्रस्तुत सुगरण कोपावड बाय तिरुमला ऑइल या कार्यक्रमात आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत। आणि आता माझ्याबरोबर पाकनिर्णय स्पर्धेतल्या पहिला क्रमांक मिळवलेल्या सुगरण मैत्रीण आहेत। तिचं नाव आहे खुर्शीद बानू मुनीर शामलिक। पण स्वागत करूया त्यांचं। नमस्कार ताई, सुगरणमध्ये स्वागत आहे तुमचं। आणि सगळ्यात आधी खूप खूप अभिनंदन तुमचं। आणि पहिला नंबर मिळवलेला आहे तुम्ही, त्यामुळे खूपच स्पेशल आहे। पण एकूणच मी त्यांच्याबरोबर जेव्हा गप्पा मारत होते जरा थोडंसं आधी, तेव्हा मला कळलं की हा पहिला क्रमांक त्यांना अनेक वर्ष मिळतो, वेगवेगळ्या स्पर्धांमधनं मिळतोय। तर त्याबद्दल मला जाणून घ्यायचं आहे तुमच्याकडनं। पण आधी रेसिपी कोणती आज आमच्या प्रेक्षकांना तुम्ही शिकवता? आज रेसिपी आहे ती तलबिना। तलबिना म्हणजे? तलबिना उत्कृष्ट पेय आहे आणि हे टॉनिक म्हणलं तरी चालेल। अच्छा, हा, अरे वा वा वा, काहीतरी वेगळं बघायला मिळणार आहे आपल्याला। क्या है? ये है तलबिना। तलबिना एक खुराक है, ये ताकत वाली चीज है। ये बीमार लोगों से लेके तंदुरुस्त लोगों के लिए अच्छा सा खुराक है। और कैलेंडर, ये कैलेंडर पता है आपको? सब भाषा में निकलता है कैलेंडर ये। तो उसके 2019 में इसके रेसिपी कॉम्पिटिशन निकली थी और उसका एक सब्जेक्ट था ब्रेवरीज, यानी पेय ड्रिंक। तो हमने इसमें हिस्सा लिया था और महाराष्ट्र में हम पहले आए। हमको बहुत फख्र है कि तलबिना में हम पहले आए और लोगों को सब मालूम हो गया तलबिना। पाक निर्णय 2019 प्रथम विजेते आपल्याला मिळणार आहे प्रशस्ती पत्र, वामनगरी पेठे यांच्याकडून सोन्याचं नाणं, अंबारी मसाले गिफ्ट बॉक्स, काल निर्णय 2019 चे काल निर्णय मग। आणि आमंत्रित करतो खुर्शीद बानू शामलिक पुणे इथून विविध प्रकारची पेय तलबिना। अभिनंदन। और ये तलबिना को बहुत कम टाइम लगता है, आधा घंटा लगता है, मगर चीजें बहुत कम है। चलो अब देखेंगे किचन की ओर क्या चीजें लगती है। अभी तलबिना क्या चीजें लगती है देखेंगे हम। ये आधा लीटर दूध है, ये बार्ली है, रात में भिगाई हुई है। और ये बार्ली चुन के साफ धो के भरड़ के, यानी ग्राइंडर में डाल के थोड़ा उसको पकने को टाइम लगता है, इसलिए भरड़ के लिए हूँ, थोड़ा सा अक्खा नहीं रखी हूँ और वो भिगने डाली हूँ रात में। ये शहद है, ये खजूर है, ये अपना बादाम अखरोट डाले तो डाले, नहीं डाले तो चलता है। और ये बार्ली बताने के लिए रखी हूँ, ये भी अखरोट है और ये इलायची पाउडर है। तो मैं बार्ली कैसे होती हूँ तुमको दिखाती हूँ। इसको जौ बोलते हैं, इसके बार्ली के फ्लेक्स मिलते हैं, इसके दलिया मिलता है, मगर हमेशा ऐसी बार्ली ला के चुनना है घर में। इसमें एक गोल रहता है, वो बहुत जहरील रहता है, ऐसा ही दिखता है, वो चुन के निकालना है, बहुत गर्म होता है। अगर ये गाय भैंस खाए, पेट में बच्चा है तो निकल जाता है, इतना गर्म होता है। इसलिए ये अच्छा सा चुनने मांगता, बिल्कुल बार्ली से गोल ड्राई जैसे रहता है, वो निकाल के चुनना है हमको। ये आधा लीटर दूध है, ये आधा लीटर दूध है, मले के साथ गरम करेंगे। इसको उबाल आने तक, बॉयल आने तक हम रुकेंगे। और उबाल आने के बाद फिर दूध को उबाल आया है, अभी इसके अंदर हम भीगे हुए बार्ली डालेंगे। देखो उसको ग्राइंड कर, थोड़ा ग्राइंड करके भिगाई हुई तो कैसा दिखता है। इसको पकाने टाइम पर ख्याल रखना है, इसको हमेशा स्टर करना है, हिलाते रहना है, नहीं तो नीचे लग जाता है। नीचे लगा ना तो फिर उसकी स्मेल अच्छी नहीं आती, हमेशा ऐसा हिलाते रहना है। अगर दूध आधा लीटर नहीं है, 100 ग्राम बार्ली को आधा लीटर दूध लगता है। अगर समझो दूध कम है घर पे, अभी दूध आना है, तो क्या करना है, गर्म पानी कब्बर उबालना है, उसके अंदर बार्ली पकाना है। सब पानी सूख जाने पर जितना भी आपके पास दूध है वो दूध डाल के हिलाना है।
ये ख्याल रखना है। पर कभी भी पूरे दूध में पकाना बहुत ही अच्छा खुराक है। अभी 10 मिनट हो गए, ये पकने लगा है। इसके अंदर 5-6 खजूरे, काले खजूरे, इसको बीज निकाल, धो के बीज निकाल के ऐसे डाल दी हूँ मैं। देखे ऐसे टुकड़े करके डाल दी। अब इसको पकने को आधा घंटा लगता है और इसमें गुड़ नहीं है, शक्कर नहीं है, नीचे उतारे में शहद डालेंगे हम। मीठा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये सब बीमारी के लिए अच्छा है, तंदुरुस्त लोगों के लिए अच्छा है, बच्चों से लेके बूढ़े तक ये खा सकते हैं, पी सकते हैं। इसके फायदे बहुत है, बहुत मुफीद है इसके। ये क्या है, पट्टे को मजबूत करता है। जिसको डिप्रेशन आया उसको पिलाए तो एकदम अच्छा होता है, पहले ऐसा तंदुरुस्त होता है। बच्चों को दिमाग के लिए अच्छा है। इसमें दूध में इसमें इतना कैल्शियम है, दूध से ज़्यादा कैल्शियम है और पालक से ज़्यादा इसमें फॉस्फोरस है। तो बहुत ये प्रोटीन से सब विटामिन से भरा हुआ है ये तलबीना। और तलबीना ये नबी की सुन्नत है, इसलिए तलबीना को तलबीना ही कहना चाहिए। नो खीर, इसको तलबीना ही बोलना चाहिए। हदीस मध्ये त्याचा उल्लेख केलेला आहे। प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेव्हा त्यांना थकवा येत होता, जिब्राईल सलाम यांना विचारले मी काय करू, ते म्हणले तलबीना प्या। आणि त्यांनी 10 दिवस तलबीना प्याले, 11 दिवसात अगदी थंडथंडीत बरे झाले। तेवढा फार पूर्वीपासूनचं हे पेय आहे, पण आपल्याला ते माहिती नाहीये। हे बदाम आहे, हे ऑप्शनल आहे। आपलं कैसे आदत आहे, जो मिठी चीज रही उसमें ड्रायफ्रूट डालो, इसमें ड्रायफ्रूट डालने की जरूरत नहीं, इतना टेस्टी है ये। और ये अखरोट डालेंगे हम, लिख रहा अखरोट। और ये इलायची पाउडर है, इसमें इलायची पाउडर डालने की अपनी आदत है मीठी चीज में, इसलिए मैं डालती हूँ। इलायची पाउडर डालने की भी जरूरत नहीं है, इतना टेस्टी बनता है। ये तलबीना तैयार हो गया, अब इसको डिश आउट करूंगी। और एक चीज डालने की रही है वो बाद में डालूंगी, आपको बताऊंगी क्या है। डिश आउट करे है, थोड़ा नीम गरम है। अभी इसके अंदर हम शहद डालेंगे, पत्ते और शहद डालना नहीं है, नीचे उतारने के बाद शहद डालना है, टेस्ट के मुताबिक जैसा लगता है आपको। ये शहद इसमें डालना ही डालना है, टेस्ट अच्छी मीठी आती है। खजूर तो हमने डाला है इसके अंदर, 5-6 खजूर डाले, गीली खजूर, काली खजूर। तो अभी इसमें ये डाले तो मिठास आती है इसके अंदर। ये पक्के पूरा रेडी हो गया, तलबीना तैयार। ये तलबीना बनके तैयार है, इसमें विटामिन और मिनरल सब चीजें इसके अंदर है। और ये खुराक बहुत ही हेल्दी है, ये बना के देखो। तुम्ही काय म्हणालात, डिप्रेशन मध्ये असणाऱ्यांना सुकून मिळतो, सुकून मिळतो सगळ्यांनाच मिळतो, सगळ्यांनाच मनशांती मिळेल अशा पदार्थाने, त्यांना जास्त फार इतकं। आणि ते असं छान विरघळत आहे ना तोंडामध्ये, खजुराची चव खूप छान आहे। मला अगदी आवडीन खात, अप्रतिम अप्रतिम आहे। मध आणि खजूर हे कॉम्बिनेशन एकमेकांना इतकं छान कॉम्प्लिमेंट करते, आणि त्यामध्ये ना बार्ली म्हणजे फार छान लागते, बार्ली मध्ये त्याचा तो दाणा खूप छान बाईट देतो, मस्त अप्रतिम। गोडी फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय रेसिपी।